में बोलो पापा गुड मॉर्निंग। हाँ कह दो पापा आ जाओ। पापा की याद आ रही है, लखनऊ जाओगी? अच्छा कल ले चलेंगे, लखनऊ छोड़ आएंगे, पापा से मिल लेना। देखो इधर पापा देख रहे हैं उसमें, देखो वो पापा, पापा को बुला, पापा गुड मॉर्निंग, पापा नमस्ते। पापा को किस से दे दो ऐसे, हाथ से, हाथ से कहते पापा, बोलो पापा को, वो नहीं ऐसे हाथ से किस दे दो, हाथ से चुने दे दो पापा को। के अपने YouTube चैनल द संदीप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। दोस्तों आज नागपंचमी है और नागपंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज नागपंचमी है और नागपंचमी के दिन लोग नाग देवता का पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों अपने जो गाँव होता है, गाँव के चौराहे पर जाकर नाग का, दोस्तों आटे का नाग नागिन बनाते हैं, उन्हीं का पूजा किया जाता है। और हमारे तो हमारे जिलाई बाजार में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और उस चौराहे का नाम पीपल चौराहा पड़ गया। उसी के नीचे दोस्तों हर साल वहां पर नाग देवता का पूजा होता है, मतलब दोस्तों नाग पंचमी आता है तो वहां पर नाग नागिन और जो नाग, तो दोस्तों वहां पर पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन इस समय दोस्तों अब की बार वहां पर नाग नागिन मतलब नाग पंचमी का कोई भी पूजा नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए दोस्तों यही वो पीपल चौराहा है, यहीं एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, यहीं पर हर साल नाग नागिन का पूजा पाठ होता था, लेकिन अब की बार यहाँ पर पूजा पाठ नहीं हो रहा। इसके बगल में एक मंदिर है, उसके मंदिर के अंदर पूजा पाठ किया जा रहा है, जिससे दोस्तों वहाँ का जो आसपास का वातावरण है अशुद्ध ना हो और गंदगी ना फैले, क्योंकि वहाँ पर जब पूजा पाठ किया जाता है दोस्तों तो लोग वहाँ पर पूरी और हलवा मिठाई बहुत सारी चीज़ों को सड़क पर ऐसे पूजा पाठ किया जाता था, और जैसे कुत्ते कई सारे जानवर आ जाते थे जो इधर उधर सभी पूजा पाठ की जो सामग्री होता था इनको इधर उधर फैला देते थे, जिससे बहुत ज़्यादा वहाँ पर गंदगी होने लगी थी दोस्तों। इसलिए सभी को नज़र में रखते हुए आज तो अब की बार पूजा पाठ किया गया दोस्तों, पीपल पेड़ के नीचे पूजा पाठ नहीं किया गया है, उसको अब की बार मंदिर में सभी लोग पूजा पाठ किए हैं। तो दोस्तों नागपंचमी के दिन जो पूजा पाठ किया जाता है, नागपंचमी के दिन विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं दोस्तों। और सबसे जो मुख्य रूप से जो खाद्य पदार्थ होता है गुजिया होता है, सभी के घर पर गुजिया पूरी सब्जी और अलग विशेष प्रकार के मतलब उस दिन खाना बनाया जाता है, क्योंकि डेली जो खाना बनता है दोस्तों नॉर्मल खाना बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल यही सब चीज़ें बनता है। लेकिन दोस्तों जिस दिन नागपंचमी होता है उस दिन एक अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, तमाम प्रकार की मिठाइयाँ लोग बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, पूरी सब्जी और हलवा, तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों जो नागपंचमी का त्यौहार होता है पता नहीं क्यों नहीं मनाया जाता है। मेरे सभी के यहाँ नागपंचमी का पूजा किया जाता है, नागपंचमी के दिन दोस्तों नाग नागिन का पूजा किया जाता है, और ये एक पौराणिक कथाओं के अनुसार नागपंचमी का पूजा पाठ किया जाता है। हर सभी मैं आपको से कुछ पूछ रहा हूँ, देखते हुए बताती है आपको आई कहाँ है, किससे दे दो कुछ, किससे चुम्मी दे दो मुझे और दे दो और दोस्तों को दे दो, ऐसे सभी को ऐसे करो इस तरह से ऐसे हाथ करो सभी को दो कह दो। आज क्या खाओगी, गुजिया खाओगी आपको, चिज्जी खाओगी, चॉकलेट चॉकलेट, इसमें देखो मोबाइल में देखो बताओ क्या खाओगी, चॉकलेट खाओगी और क्या खाओगी, टॉफी, ठीक है चॉकलेट मिल जाएगा टॉफी मिल जाएगा, पहले किससे दे दो तब मुझे काल में। शाम के 5 बज गए और मैं अपने जिलाई बाजार में जा रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा आप सभी को वहाँ पर गुड़िया कैसे पीटी जाती है। दोस्तों अभी हम जिलाई बाजार में पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखिए कई दुकान लगे हुए हैं, झंडी बेचा जा रहा है, मतलब इसी से गुड़िया को पीटा जाता है। और यहाँ पर देखिए कई पन्नी का और चमकीले झंडी बनाए गए हैं और बहुत देखने में अच्छा लगता है दोस्तों, इसी से आज गुड़िया को पीटा जाएगा। तो अभी मैं जिलाई बाजार में आ गया हूँ और सभी लोग यहाँ पर दुकान लगा कर बैठे हैं, झंडी बनाए हैं और इसी झंडी से गुड़िया को पीटा जाता है दोस्तों। और ये हमारे पीर्थू भाई हैं जो झंडी बेच रहे हैं और इस झंडी को बेचते हैं दोस्तों, और सभी लोग कोई कागज का बनाया तो कोई पन्नी का बनाया, और कोई बेहलू जो हमारे सबके गांव में बेहाया एक पेड़ होता है उसी को बनाकर लोग लाठी और डंडे से गुड़िया को पीटते हैं दोस्तों। और देखिए पीर्थू भाई बेच रहे हैं, सभी लोग जिलाई बाजार में पहुंच गए और हमारे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वहाँ पर दूर पर देखिए गुड़िया पीट रहे हैं और अभी पीटा नहीं जा रहा दोस्तों। और ये हमारे पीर्थू भाई है यहाँ पर झंडा बनाकर बेच रहे हैं जो गुड़िया पीटने के लिए, हम सभी लोग अभी इसको लेकर जाए गुड़िया पीटेंगे और मोटे मोटे डंडे और लाठी से भी गुड़िया पीटा जाता है। देखिए दोस्तों पीछे बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं।
अच्छे जाओ बेटो, जाओ पीटो। हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, अभी देखे आप सभी ने देखा कि यहाँ पर गुड़िया बनाकर फेंकती है और लड़की लोग उसको पीट रहे हैं। पीटने का मतलब क्या है दोस्तों? सीधा सीधा एक संदेश है कि हमारे समाज में जो लड़कियों का अस्तित्व है दोस्तों, वो बहुत ही हीन नज़र से देखा जा रहा है, बहुत ही गिरी हुई नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि लड़कियों को समाज में कभी भी बराबरी का अधिकार नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं बनाया गया कि जो लड़कियों की हिफाजत की बात करता हो, लड़कियों की लंबी आयु की बात कर रहा हो। हमारे समाज में ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं है कि जो लड़कियों के लिए रक्षाबंधन मनाया गया हो, लड़कियों के लिए कोई व्रत रखा गया हो। कोई भी माँ आते लड़कियों के लिए कोई व्रत नहीं रखी है, लेकिन वही देखा जाए दोस्तों हमारे समाज में लड़कों के लिए तमाम प्रकार के त्यौहार हैं और तमाम प्रकार के व्रत रखा जाता है, जैसे लड़कों की आयु लंबी हो और दीर्घायु हो। देखिए दोस्तों, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, भाइयों के लिए रक्षाबंधन है, और उसके बाद होता है छठ पूजा, भाई दूज, ऐसे तमाम प्रकार के पूजा पाठ होते हैं दोस्तों, जिसमें लड़कों और भाई के आयु को वृद्धि के लिए, आयु दीर्घायु के लिए मनोकामनाएं की जाती है, उनके लिए बंधन रक्षाबंधन माना जाता है, उनके लिए तमाम प्रकार के दोस्तों व्रत रखे जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में लड़कियों के लिए कोई भी न व्रत है, न कोई त्यौहार है, न उनके मान सम्मान का कोई भी त्यौहार बात करता है। हमारे समाज की पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी पुरानी परंपराओं और धारणाओं से नहीं निकल पा रही हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी मानसिकता गुलाम हो चुकी है, और गुलाम होने के बावजूद भी दोस्तों वो स्वतंत्र होना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो पुरानी परंपराओं से ही लीन है और उसी में खुश हैं, बाहर निकलना नहीं चाहती हैं। नागपंचमी का त्यौहार दोस्तों, नाग नागिन का पूजा किया जाता है, अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए, जो पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ करें। लेकिन दोस्तों हमारे समाज में वहीं उसी दिन एक दूसरा समय आता है शाम के टाइम पर दोस्तों, जो लोग होते हैं लड़का लोग इकट्ठा होते हैं, और लड़कियों का जो मतलब गुड़िया बनाकर लड़कियां वहां पर लेकर जाती हैं और सड़क पर फेंकती हैं, और लड़के लोग उसको पीटते हैं, और इस पीटते हैं दोस्तों, तो लड़कियों को थोड़ा भी नज़र नहीं आ रहा कि हमारे समाज के लोगों को पीटा जा रहा, हमारे वर्ग के, मतलब एक गुड़िया पीटने का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि महिला वर्ग को पीटना, और महिला वर्ग को पीटा जा रहा है, और ये उसको ध्यान देना चाहिए हमारे समाज की लड़कियों को। पढ़ लेकर भी ऐसे चीज़ों पर, कुरीतियों पर ध्यान नहीं देंगी दोस्तों, तो ये समाज बहुत नीचे चला जाएगा। और दोस्तों इससे हम नहीं चाहते हैं कि किसी को धर्म का या किसी चीज़ पर किसी को दोस्तों कोई समस्या हो, मैं बस यही एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लड़की भी एक इंसान है, और लड़कियों के लिए भी क्यों ऐसा त्यौहार नहीं बनाएगा कोई भी त्यौहार, कि समाज में उनको भी बराबर का हक मिले, बराबर का मौका मिले। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया वीडियो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।